अगर शाम के चाय के साथ कुछ टेस्टी बनाकर खाना चाहते हो, वो भी 10 मिनट में, तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, टोटल मैंने बड़े साइज़ के 3 आलू लिए हैं। इनको आपको पहले तो छोटे छोटे साइज़ में ना कट कर लेना है। अगर आपके पास ग्रेटर मशीन हो ना तो उससे भी आप कर सकते हैं, अगर बड़ा साइज़ का हो तो। नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हो जाता है। उसके बाद आपको पानी में ऐड करना है ताकि वो काले ना पड़ जाए। आप साइज़ देख लेना, जितना पतला सा हो सके उतना पतला काट सकते हैं। उसके बाद सारा पानी आपको निकाल देना है एंड एक एक करके आप मसाले ऐड करेंगे। सिर्फ 3 मसाले इसमें ऐड करने हैं। नंबर 1 पे है, यहाँ पे देख सकते हो, ग्रीन चिली मैंने लिया है। देन जिंजर, इनको बारीक सा कूटना है। आप मिक्सी में भी इसको पेस्ट बना सकते, एकदम फाइन पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा क्रश ही रख देना, तो इसमें भी जल्दी हो जाता है, 1-2 मिनट में होके रेडी हो जाता है। आप देख सकते हो एकदम फाइन पेस्ट मैंने नहीं बनाया एंड ये टेस्टी भी लगता है इस तरह से। लगभग 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है। देन यहाँ पे लिया है मैंने फ्रेश कोरिएंडर। आपके पास कड़ी पत्ता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। देन स्वादानुसार नमक एंड मैगी मसाला। गाइस इसमें नमक जो है एकदम कम डालो, नहीं तो जितना आपको लगता है उतना ही डाल दो। ज़्यादा डालोगे ना तो इसमें बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक बार कम डालो चल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड कॉर्नफ्लोर ऐड करना एकदम हल्का सा, थोड़ा सा। उसके बाद कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप राइस फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। सो अच्छे से मिलाना है, वो अपने आप ही सॉफ्ट बन जाते हैं। देन आपको तुरंत मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। इसमें बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो मैंने बहुत सारे हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ भी अपलोड किए, वो भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।